आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड रहा है। श्रीनगर से बाहर से भी लोग चल के आए हैं देखने के लिए। इसको हम लोगों ने जितना ज़्यादा एडवर्टाइज़ कर सकें छोटे से समय में हम लोगों ने किया भी है। इसको हम लोग यहीं रखेंगे, फिर यहाँ एक म्यूज़ियम भी करेंगे, इसको बढ़ाएंगे ताकि लोगों को, हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको ये पता चल सके कि उस समय क्या हुआ था। और जो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान जो है वो चलाता है, उसको वो खुद देख के समझ जाएंगे कि वो कितना सच है, कितना प्रोपेगेंडा है। ये जो एग्ज़िबिशन आज यहाँ पे हुआ, मेरे ख्याल से ये बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत पहले जो जम्मू कश्मीर के युवा जो पीढ़ी है उसको बहुत पहले इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए था कि एक्चुअल हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की क्या है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैंने शायद नहीं सुनी थी, वो मुझे आज यहाँ आके पता चले। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाल पर लगाई गई है, तो मैंने लाइफ में पहली बार ये पढ़ी है, तो इससे ज़रूर फ़ायदा होना है। यहाँ किसी को भी अगर आप मेनली किसी से भी पूछते आज 22, तो उनको पता भी नहीं होगा 22 तारीख को क्या। लेकिन इट्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कि यहाँ के लोग आज इस चीज़ से हम उनको आग्रह कर रहे हैं कि इस डेट पे हुआ क्या था, उनसे जुल्म, एक्चुअली जुल्म जो हुआ था वो पाकिस्तान ने किया था, और आज हम लोगों को वो सच्चाई बोलने वाले हैं। तो यंगर जनरेशन को कितना ज़रूरी है? देखिए, मैंने आपको यही चीज़ कहा कि ये हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारा एक अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लोगों को एक सच्चाई बताएं, कैसे कबालीज़ ने हम पे हमला किया, कैसे उन लोगों ने यहाँ पे एक बच्चे, औरतें, हर किसी को कुचल दिया। और आज वो दिन आया हुआ है कि हम पूरी आवाम के, पूरे देश के, पूरे मुल्क को हम सच्चाई बता दें कि किन लोग, कौन लोग हमारे असली दुश्मन और कौन हमारे दोस्त।